भाई ये सीन हो गया बेंचो हमारे साथ कि अपने आप बोल रहे अपने आप चल गई गाड़ी। अब देखते भाई इसने गियर नहीं लगा रखी थी इसलिए, तो हैंड ब्रेक के बिना अपने आप आ जाएगी क्या गाड़ी इसकी भाई? ये तो वहाँ से आ रही गाड़ी। Hey guys, आज जो है भाई आगरा जा रहे हैं, तो ये रही मेरी गाड़ी एंड काफ़ी सारे जो है मैं सुमित बाला और राकेश सारे लोग, तो मैं वीडियो इसलिए नहीं कवर कर पाया क्योंकि बहुत अंधेरा था। अब जो है अच्छा खासा जो है लाइट है, तो यहाँ पे वीडियो सारे कवर करूँगा और अपने ठीक है हम पहुँच गए ढाबे भाई। अब ढाबे पे यहाँ से शुरू होगी सारी जो व्लॉग है बिल्कुल, तो अब थोड़ा बहुत खा के फिर यहाँ से शुरू होगी ठीक है। चाय पियेंगे भाई, हाँ चाय से शुरुआत करेंगे, चाय पियेंगे सबसे पहले तो भाई। यहाँ पे इतना लाइन है ना बहुत ज़्यादा, और हमारी आ चुकी है चार और एक फैंटा, ये अभी नहीं पीऊँगा कुल्लड़ वाली चाय, बाद में पीऊँगा। और ये हूँ मैं बस यार, अब यहाँ से जो है हमें 2 घंटे और लगेंगे यहाँ पे जाने में, 91 किलोमीटर है यहाँ से, और यहाँ पे 4 लोग हैं तो हमने एयरबीएनबी किया हुआ है, तो और कल जाएंगे थोड़ी देर सोने के बाद जो फ्रेश होके फिर निकल जाएंगे ताजमहल देखने के लिए। भाई बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि चीनी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मिलाई है गोवा में हमने यार ब्लॉग नहीं बनाया, बनाना चाहिए था ब्लॉग, है ना, तो डेली बनाते एक एक 18 ब्लॉग बनते हैं। चाय पी लिया, चाय बहुत अच्छी और बहुत स्वादिष्ट चाय थी, मिट्टी के बर्तन में चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है, है ना। ये जब भी कोई रात में सफ़र करे उसको ज़रूर पीनी चाहिए, इससे नींद भी दूर रहती है और ड्राइविंग ईजी रहती है, ऑटो पायलट बन जाता ऑटो पायलट चलो भाई चले, है ना, चलते फिर भाई। अब पतला हो गया है गोवा से, गोवा वाला ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं यार, ब्लॉग बहुत तगड़े बनते हैं गोवा में, अगर बनाता तो बनाऊंगा अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया। यो है हमारे गड्डी, हमारी सवारी, और इसको किया हमने अनलॉक, अरे और अब हम बैठेंगे अंदर। ओ भैया बस सब बैठ गए, ये बाला है, बाला वाला गाना चलाऊंगा मैं अब A few moments later. भाई ये सीन हो गया बेंचो हमारे साथ कि अपने आप बोल रहे अपने आप चल गई गाड़ी। अब देखते भाई इसने गियर नहीं लगा रखी थी इसलिए। यो है गाड़ी के नंबर, तो भाई मैं तो इनसे लूँगा भाई सब जो भी चीज़ें। भाई अपने आप की बात नहीं है, हैंड ब्रेक तो लगाना चाहिए, तो उड़ते हुए थोड़ी आएगी, तो हैंड ब्रेक के बिना अपने आप आ जाएगी क्या भाई? अरे हैंड ब्रेक नहीं लगाया होगा ना, गलती तो इन्हीं का ही है ना, तो अपने आप ऐसे थोड़ी आ जाएगी। अब तो लगी गई आपकी, ये भाई साहब देखो यार वहाँ से वैसी आ रही है बिना ब्रेक के, सीधी लुढ़कती लुढ़कती आ गई, क्या करके गए भैया? लगाते कोई नीचे आ जाए कुछ हो जाए बच्चा आगे वाले, इसका क्या करोगे? ये देखो ना यार भाई, इधर देखो, ये हमारी ठोक दी थी, इसका क्या करोगे? अरे जान दे दे, हां नहीं नहीं भाई, दूसरी गाड़ी है, मतलब बचा के नहीं आए वो, और नहीं पहले आगे घर वाले को तो बच्चा ले आगे घर वाले, पहले वो गाड़ी आगे हो गया, हां जो अपन 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 घुस रहे थे ना, जब गाड़ी बैक हो रही थी अपन ने कहा बैक हो रही है भाई, हां तो भी आई है
क्या बची है भैया, पीछे से ले लो। चलो चलो इतने भी पीता पल्ला लग गया, सब लोग गाड़ी हो जाती है। होता है ये तो चेंज गलत है ना, वो वहीं से बचा पा रही है भैया। गलती तो है यार कोई कुछ नहीं, मैं जानबूझ के तो आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाया था ना। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होता है ऐसे फोन में बात कर रहा, कुछ भी हो रहा है, कोई बच्चा होता है, आप चलो बंदा छोड़ो बच्चा होता है, बताओ ना भाई। ये हुई है कि इन्होंने जो है हैंड ब्रेक लगाई नहीं थी, तो वहाँ से जो है रगड़ती हुई आ रही है। देखो वहाँ से गाड़ी रगड़ती हुई आ गई। यार बच्चा बच्चा कोई भी होता भाई, फिर तो दिक्कत हो जाती ना, फिर यार उन्हीं की गलती है ना, हैंड ब्रेक अगर नहीं लगाए तो नहीं लगाई भाई। भाई नहीं, हैंड ब्रेक तो आपने नहीं लगाई ना, ये तो आपकी गलती है ना। मान लो देखो छोटे छोटे बच्चे नहीं, ये तो आपकी गलती है ना भैया, हैंड ब्रेक नहीं लगाई तो। जबकि चलो ठीक है, यहाँ पे हालांकि कोई बच्चा बच्चा नहीं था, कोई और गाड़ी नहीं थी, तो इसीलिए चलो ठीक है। अगर बच्चा बच्चा तो यार उसको क्या पता लगता है, ये भी बात है ना। हाँ देखो बात ऐसा है, ये हुई है, ये भी हुई है, यहाँ पे तो चलो ठीक है, मैं जेल लूंगा। भाई क्लेम में पता क्या होगा, पूरा मुझे ठोकना पड़ेगा इसको, पूरा ठोकना पड़ेगा। क्या दिल्ली में कौन सी जगह? कैंट में, दिल्ली कैंट। हाँ भाई पालम में हो चाहे कुछ भी हो भाई, मैं तो बोलता हूँ यस यस होता है, नो नो होता है, गलती होता है, गलती में मान बस मेरी गलती, पैसा होता भाई। वो भाई बंदे से ये हुई कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो 10-15 हज़ार के करीब हुआ है नुकसान, क्योंकि वो बिल्कुल पूरे की पूरे जो है चेंज होगा, पूरा जो है ये वाला जो है सीन ये चेंज होगा। तो बंदा कह रहा है कि दो हज़ार ले लो, हम भी थोड़ी मांग रहे हैं बैंकों से, 2000 ले लो। तो भाई ये डायरेक्ट जो है ये पूरा कंप्लेंट करूँगा, जो सीन जो कंप्लेंट करने से बिल्कुल पूरी की पूरी उस बंदे की जो है कंप्लेंट करूँगा सारी साफ सुथरा में, और लीगली जो भी एक्शन होगा, जो वीडियो मेरे पास है बिल्कुल मान रहा है, सब कुछ है, तो साफ सी जो है पूरा जो है उसके ऊपर कंप्लेंट अब करेंगे, जो उसके नंबर प्लेट है पालम में रहता बंदा। तो भाई अब फाइनली बस ये है, 2000 तो मुझे लेनी नहीं है उससे, और झगड़ा वगड़ा तो करनी थी नहीं, क्योंकि झगड़ा करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए भाई आज ऐसे सीन हुआ है। तो यहाँ से जो है बस अब यहाँ से निकलते फिर। चला गया गैस, अभी एंट्री करी है घर पे, तो ये जो है हमने जो है घर लिए मतलब रेंट पे, और ये एक जान पहचान का ही घर है, मतलब ऐसे पहचान में। ये देख लो, आपको घर दिखा देता हूँ, सारी घर पूरा दिखा देता हूँ। ये ऐसे ही मतलब सुस्ता पीने के लिए है, स्मोकिंग एंड दिस इज सिटिंग एरिया, ठीक है, एंड दिस वन इज डाइनिंग एरिया एंड ये एक बेडरूम है, देख सकते हो ये बेडरूम है, एंड ये आपका वॉशरूम है, एंड यहाँ पे भी एक वॉशरूम है, ये एक बेडरूम है, यहाँ पर भी ये पेंटिंग अच्छा लग रहा है मुझे, एंड यहाँ भी एक वॉशरूम है, यहाँ पे पूरा वो बाथ टब है, ये वाला बाथ टब है पूरा, टीवी है, कॉफी चाय कुछ भी पीना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ, किचन भी है बनाने के लिए, फ्रिज है, उसके बाद बस हम लोग आ गए। हमने कहा चलो ठीक है, वो भाई 1000 नहीं 2000 दे रहा है,
दे रहा था, और उसका जो है भाई कंपनी का जो प्राइस होता है 15,000 से 20,000 का है, जो हमने सर्च करा पूरी पूरी चेंज हो गई यार, पूरा अंदर घुस गया वो, अंदर मतलब पीछे वाला जो होता है ना वो अंदर घुस गया हिस्सा, और स्क्रैच भी आया है, वो भी चेंज होगा सब कुछ। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम क्लेम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो लीगल जो भी होगा वो हम एक्शंस लेंगे। तो जैसे कि उसका नंबर प्लेट तो था ही, तो देखते क्या होता है आगे। तो बस इतना ही था बस आज का व्लॉग में, बहुत कैसे कैसे लोग होते हैं यार, मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या समझ नहीं आता यार, लोग थोड़ा बहुत गिल्टी भी फील नहीं करते अपने आप को, कह रहा कि ना मेरी गलती है ना तुम्हारी गलती है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको, अच्छा मेरी गलती कैसे है ये तो बताओ, मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, मेरी गलती है, मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी है और हैंड ब्रेक लगा के, और ना ही उसने हैंड ब्रेक लगाई है गाड़ी में, ना ही उसने गियर में खड़ी करी है गाड़ी, और उसके गाड़ी के अंदर भी उनकी वाइफ है और उसका बच्चा भी है, और वो पीछे से आ रहा, कोई बच्चा वच्चा नहीं था, होता तो भाई वो तो पिचक चुका होता बिल्कुल ऑन स्पॉट, कुछ भी होने का चांस था। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं ना यार, फाइनली चलो छोड़ो यार, अब जो है आगरा पहुंच गए, ये वाला घर है पूरा, तो बस कल ताजमहल देखने जाएंगे। तो आज आप ये वीडियो देख रहे हो, तो नेक्स्ट जो व्लॉग में आने वाला वो वीडियो ज़रूर देखना, एंड अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत सारे वीडियोस आने वाले, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, ऑन स्क्रीन में मेरा जो है इंस्टाग्राम की यूज़र नेम आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।